Hello everyone, myself Dr. Sachin Mittal. I am an oral and maxillofacial surgeon and dental implantologist at Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि जब भी हम डेंटल इम्प्लांट का प्रोसीजर करवाते हैं उसके बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर ऑलमोस्ट दांत निकलवाने की सर्जरी जैसा ही प्रोसीजर है, तो इसमें हमें दांत निकलवाने के टाइम रखने वाले परहेज जैसे परहेज रखने की जरूरत पड़ती है। अगर हम बात करें कि हमें क्या क्या परहेज करने चाहिए, नंबर वन, हमें डेंटल इम्प्लांट प्रोसीजर करवाने के बाद लगाया गया गॉज पीस 30 मिनट तक दबा करके रखने की जरूरत है ताकि हमारी ब्लीडिंग रुक जाए। नंबर दो, हमें खाने पीने के अंदर गर्म चीजों का सेवन नहीं करना है, हम ज्यादा नरम और ठंडी चीजें ले रहे हैं जिससे कि हमें ब्लीडिंग ना हो। नंबर थ्री, हमें दी गई दवाइयां हम जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया है टाइम टू टाइम लें, सो दैट दवाइयों के असर की वजह से हमें किसी भी तरीके का कोई दर्द ना हो। नंबर फोर, हम अगर स्मोक करते हैं तो हमें किसी भी तरीके की स्मोकिंग को अवॉइड करना है ताकि डेंटल इम्प्लांट की हीलिंग अच्छे से हो सके। नंबर फाइव, अगर हम माउथ वॉश यूज करते हैं तो हमें फर्स्ट 24 आवर्स के लिए कोई भी कुल्ला या माउथ वॉश नहीं करना है ताकि वहां पे ब्लीडिंग इंड्यूस ना हो। नंबर सिक्स, अगर हमें किसी भी तरीके की कोई ब्लीडिंग या पेन या कोई और प्रॉब्लम होती है तो हम तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच।